हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शॉर्ट नॉलेज। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ टॉपिक OPAMP, जो कि फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ OPAMP क्या होता है। जैसा कि OPAMP की फुल फॉर्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफायर नाम आपने खूब सुना होगा अगर आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं। वो फिजिक्स से ना भी हो तो नॉर्मल लाइफ में भी एम्पलीफायर खूब नाम सुना होता है। तो एम्पलीफायर का मतलब होता है एक ऐसा सर्किट जो किसी भी इनपुट के आउटपुट में कुछ गेन इंक्रीज कर देता है। गेन मतलब कुछ भी इंक्रीज कर देता है, उसमें किसी चीज़ को मल्टीपल कर देता है या किसी चीज़ को बढ़ा देता है। तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन बोल के सुनाता हूँ। इट इज ए सर्किट दैट हैज ए पावर गेन ग्रेटर देन वन। इट कैन बी सेपरेट पीस ऑफ इक्विपमेंट, और मतलब कि एक सेपरेट डिवाइस भी हो सकता है, और एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेंट विथ अनदर डिवाइस, मतलब कि दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड एक इलेक्ट्रिक डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, आपको एम्पलीफायर का मतलब समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक OPAMP, ये क्या होता है। जैसा कि OPAMP में ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ रहा है, मतलब कि एम्पलीफायर इसमें भी आ रहा है, तो ये भी कुछ चीज़ इंक्रीज करेगा, कुछ चीज़ बढ़ाएगा। तो हाँ, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है OPAMP की। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन लाइन एडिशन सब्ट्रैक्शन डेरिवेटिव इंटीग्रेटिव एंड सो ऑन, मतलब कि इतने सारे ऑपरेशन ये डिवाइस में इस डिवाइस से होते हैं OPAMP से, और ये अर्थमेटिकल ऑपरेशन है और इनमें कुछ गेन करेगा तो वो OPAMP का कार्य होता है। इट इज़ मेड बाई IC 741। अब हम जानते हैं कि वाट इज मीन ऑफ 741। तो मैं आपको 741 का मतलब बताता हूँ। 7 का मतलब होता है वहाँ पे फंक्शनल पिन, मतलब इसमें 7 फंक्शनल पिन्स होती है और 4 पिन्स होती है जिसमें विच कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग इनपुट, मतलब जिनके माध्यम से अपन इनके अंदर मतलब OPAMP के अंदर इनपुट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और एक होता है आउटपुट, आउटपुट पिन होता है एक। तो मैं इसका सर्किट आपको बता देता हूँ शॉर्ट ऑन कैसे करते हैं इसको। तो देखिए V1 V2 इसमें इनपुट देते हैं, एक होता है इन्वर्टिंग और एक होता है नॉन इन्वर्टिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीन ऑफ इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। और हाँ, ये ध्यान रखना प्लस वाला नॉन इन्वर्टिंग होता है और माइनस मतलब नेगेटिव वाला इन्वर्टिंग होता है, और प्लस VCC मतलब पॉजिटिव पावर सप्लाई एंड माइनस VCC मतलब नेगेटिव पावर सप्लाई। तो जैसा कि हम जानते हैं इसमें आउटपुट होता है, इन दोनों का डिफरेंस V2 V1 का डिफरेंस होता है आउटपुट, और उसमें आपको पता है OPAMP एम्पलीफायर है तो मतलब कुछ गेन करेगा, गेन होता है A, जैसा इधर लिखा मैंने आउटपुट इज V0 इक्वल टू A V2 माइनस V1। ठीक है, V2 माइनस V1 डिफरेंस हो गया इनपुट का, इनपुट डिफरेंस हो गया V2 माइनस V1। ठीक है, देखिए गाइज ये होता है यहाँ पे गेन। ठीक है, और हाँ ये हो गया V0 हमारा आउटपुट हो गया। तो इसका करेक्टरिस्टिक OPAMP मतलब इसका अगर आप कुछ इस प्रकार बनता है, जैसा कि ये आउटपुट लिया और ये इनपुट लिया हमने, ये प्लस वाला सबसे मतलब सबसे इंक्रीज पावर सप्लाई होती है, सबसे पॉजिटिव वाली, और ये होती है सबसे नेगेटिव वाली। ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक इस प्रकार आएगा, मतलब कि आप इसको इनपुट देंगे तो जब यहाँ से आप इसको इनपुट देंगे तो आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा। ये इनपुट देंगे तो आउटपुट कुछ इस प्रकार आएगा, आप इसके माध्यम से समझ सकें। यहाँ पे अपन कुछ भी वैल्यू रख के इसको समझ सकते हैं, और मैं आपके इसके कुछ टर्म्स के नाम बता देता हूँ। जैसे प्लस VCC यह है पॉजिटिव पावर सप्लाई, माइनस VCC है नेगेटिव पावर सप्लाई, और V0 मतलब आउटपुट है ये V2 माइनस V1। ठीक है, ए मतलब होता है गेन हो गया V0 V2 माइनस V1। ठीक है, और आउटपुट इक्वल टू इनपुट में कुछ गेन होगा, गेन क्या हो रहा है यही होगा हमारा आउटपुट। तो गाइज आज की वीडियो में मैं इतना ही समझाना चाहूँगा। अगर इस वीडियो में आपको पसंद आई ये वीडियो और आपको इसके बारे में और जानना है तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड कमेंट मी। मैं आपको अगला वीडियो बताऊँगा कि क्यों ये इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग होता है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊँगा फंडामेंटल, और फिर मैं आपको बताता हूँ रियल लाइफ में ये क्या होता है, OPAMP होता क्या है। OPAMP जैसा कि आप जानते हैं हम टीवी देखते हैं, तो टीवी के साथ एक कंपाइलर लगा होता है जो वोल्टेज को कम या तेज कर देता है, मतलब कम आती लाइट तो उसको बढ़ा देता है। ठीक है, तो वही हमारा OPAMP होता है। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा।